दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक क्विक रिस्पांस में दक्ष और दुश्मन के हमले को ध्वस्त कर देने वाला इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अपने चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद हिजबुल्ला ने जो कहा वो करके दिखा रहा है। नसरल्ला की मौत से इसराइल के खिलाफ हमले बंद नहीं होंगे। हिजबुल्ला ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे खतरनाक हमला किया है। इतना खतरनाक कि जिससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जान भी जा सकती थी। कैसे हो गया नेतन्याहू के घर पर हमला? क्यों नहीं पकड़ में आया 70 किलोमीटर दूर से उड़कर आता ड्रोन? नेतन्याहू की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन? इन सुलगते सवालों का जवाब इजराइल डिफेंस फोर्स के पास नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर ने सिर्फ इतना क्लियर किया है कि हिजबुल्ला के ड्रोन हमले के वक्त सीजरिया के हॉलिडे होम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद नहीं थे। घर में उस वक्त नेतन्याहू के परिजन की मौजूदगी भी नहीं थी। Prime Minister, how is it going? Well, two days ago we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. So will something deter you? No. हिजबुल्ला का ये दुस्साहस है। इधर उधर नहीं, सीधा नेतन्याहू पर हमला, सीधा इजराइल के प्रधानमंत्री को ही उड़ा देने की कोशिश। गनीमत रही कि नेतन्याहू जहां हमला किया गया वहां मौजूद नहीं थे, वरना क्या होता? इसकी कल्पना भी इसराइल के लिए दुख देने वाली है। हिजबुल्ला ने इसके पहले इसराइल के आर्मी बेस पर ड्रोन हमला किया था, जिसमें इसराइल के एलीट ब्रिगेड के 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा था कि हिजबुल्ला के 2 ड्रोन में से एक को उसने इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया, लेकिन दूसरा ड्रोन आर्मी बेस के डाइनिंग हॉल में गिर गया। अब की बार भी यही हुआ है। इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उसने हिजबुल्ला के छोड़े 2 ड्रोन को तो ट्रैक कर नष्ट कर दिया, लेकिन एक ड्रोन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास से जा टकराया। IDF का कहना है कि सुबह हाइफा क्षेत्र में बजने वाले वार्निंग सायरन लेबनान से दागे गए रॉकेट से बज उठे थे। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उससे पता चला है कि ड्रोन सीधे अपने लक्ष्य को हिट करने में सक्षम था। इजरायली सुरक्षा बलों ने स्वीकार किया कि ड्रोन ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा, जिसकी वजह से यह हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने इसे बड़ी सुरक्षा चूक माना है, क्योंकि एक ड्रोन हाइफा के बाहरी इलाके में इसकी तलाश कर रहे सैन्य हेलीकॉप्टर के ठीक बगल में उड़ रहा था। ड्रोन के इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उत्तरी तेल अवीव में ग्लीलोट बस्ती में सैन्य ठिकानों पर सायरन बजने लगे। इजरायली सेना भी मान रही है कि इमारत पर हमला करने से पहले ड्रोन 1 घंटे तक ऊपर मंडराता रहा। इजरायली सेना ने ड्रोन हमले की जांच शुरू कर दी है। हिजबुल्ला हो या हमास, तबाही और बर्बादी के बावजूद इसराइल के खिलाफ हमले कर रहे हैं। हिजबुल्ला के हमले और तेज हो गए हैं। इधर दुनिया इंतजार कर रही है कि ईरान के इसराइल पर हमले के बाद नेतन्याहू का एक्शन क्या होने वाला है। उधर ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा इसराइल हिजबुल्ला के हमले से खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। IDF का कहना है कि नेतन्याहू के आवास को टारगेट करने के पहले लेबनान से उत्तरी इसराइल पर लगभग 55 रॉकेट दागे गए हैं। सेना ने कहा कि कुछ रॉकेट्स को रोक लिया गया है, जबकि कई खुले इलाके में गिरे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइफा शहर के नजदीक 2 लोग घायल हुए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक लेबनान की तरफ से इसराइल के तिबेरियास और आसपास के इलाकों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और रॉकेट हमले हो रहे हैं। कई रॉकेट गैलिसी सागर में गिरते देखे गए। तेल अवीव और शहर के उत्तरी इलाकों में भी ड्रोन हमले की चेतावनी वाले सायरन सुनाई दिए। इसराइल के सामने क्लियर है, इतने सारे हथियारों के साथ हिजबुल्ला जंग के मैदान में है तो उसका नुकसान इसराइल को उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसराइल का अब तक का मानना रहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी तरह के हमले को रोकने में कामयाब है, जैसा कि ईरान के हमले के दौरान भी दिखा कि ईरान ने करीब 180 मिसाइलें इसराइल के खिलाफ दागी, लेकिन उनमें से ज्यादातर को इसराइल ने नष्ट कर दिया।
लेकिन अब सीन बदलता दिख रहा है। हिजबुल्ला के रॉकेट या मिसाइल को इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में भले ही सफल हो रहा हो, लेकिन ड्रोन हमले को रोकने में बार बार नाकाम हो रहा है। युद्ध की शुरुआत से इसराइल को यूएवी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू के घर पर हमले के पहले जिस बिन्यामिन मिलिट्री बेस पर हिजबुल्ला ने हमला किया था, वो लेबनान की सीमा से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। आईडीएफ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान ने लॉन्च किए गए दो ड्रोन समुद्र के रास्ते से इजरायली क्षेत्र में घुसे थे। ये दोनों मिर्साद ड्रोन थे, जिन्हें ईरान में अबाबील टी के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रहा। इजरायली वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर ने दूसरे ड्रोन का पीछा किया, लेकिन ये रडार से गायब हो गया। इजरायली सेना इसका पता नहीं लगा सकी, क्योंकि शायद जमीन के बहुत करीब उड़ रहा था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर ताजा हमले ने यह क्लियर कर दिया है कि इसराइल के इस दावे में 100% सच्चाई नजर नहीं आ रही है कि उसने हिजबुल्ला के सारे टॉप कमांडर मार गिराए हैं और हिजबुल्ला के ठिकानों पर लगातार हमले कर उसे करीब करीब ध्वस्त कर दिया है। हिजबुल्ला का प्राइम मिनिस्टर हाउस पर डायरेक्ट हमला इसराइल की सुरक्षा दीवार के ढहने की गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।